हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आइए बच्चों, हम जानते हैं कि व्हाट इज प्लानिंग। आप सब लोग अपने घर पर करते ही होंगे प्लानिंग। तो प्लानिंग है, प्लानिंग का मतलब होता है सबसे पहले सोचना, तो इट मीन्स थिंक। एंड सेकंड इज फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं किसी मोटिव को अचीव करने के लिए, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मुलेट। मीन्स कि थिंक और फॉर्मुलेट करना, डेट इज कॉल्ड प्लानिंग। किसी भी एम को लेकर सोचना और उसे इम्प्लीमेंट करना, डेट इज प्लानिंग। अच्छा, अब इंडिया में प्लानिंग कौन करता है? किसी भी पॉलिसीज के बारे में प्लानिंग करने का काम इंडिया में प्लानिंग कमीशन का है। प्लानिंग कमीशन का काम है इंडिया में प्लानिंग करना, जो सेटअप हुआ था 1950 में, और उसका जो हेड होता है वो होते हैं, इसका हेड होता है कंट्री का प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम। ओके, नाउ जो हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन जो जिस मेथड को यूज़ कर प्लानिंग करता था, डैट इज़ हिट एंड मिस मेथड। डैट इज़ हिट एंड मिस मेथड। इस हिट एंड मिस मेथड का मतलब क्या था कि वो कोई भी प्लानिंग को रिकंस्ट्रक्ट करता था एंड रिफॉर्म करता था, यानी उसमें कुछ चेंज कर उस पॉलिसीज को वापस बना देता था, जो कि एक सक्सेसफुल प्लानिंग नहीं थी। इसीलिए उस मेथड को हटाकर अब जो यूज़ किया जाता है वो सेक्टरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग यूज़ की जाती है। रीजनल एंड सेक्टरल प्लानिंग का मतलब है कि सेक्टर वाइज भी प्लानिंग बनाई जाती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में अलग से प्लानिंग होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में अलग से प्लानिंग होगी, इरिगेशन सेक्टर के बारे में अलग से प्लानिंग होगी, तो एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो इस तरीके से, या वुमेन्स के बारे में, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में डेवलपमेंट करना या उसके लिए प्लानिंग करना, डैट इज़ इन सेक्टरल मैथड। अब रीजनल के अंदर क्या होता है, जैसे वर्ड से पता चल रहा है हमें, एरिया, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट करना। हम हमारे इंडिया में देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एरिया इम्बैलेंस डेवलपमेंट हुआ है, यानी बैलेंस डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर कंट्री के हर एक एरिया के अंदर डेवलप हुआ है इक्वली। कुछ एक एरिया तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए और कुछ एक बैकवर्ड हो गए, स्टिल की वहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी है। जैसे एग्जांपल छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में रिसोर्सेज बहुत वास्ट अवेलेबल हैं, जब भी वहाँ पर एक बैकवर्ड रीजन के आइडेंटिफाई होता है छत्तीसगढ़। तो इट मीन्स कि रीजनल डेवलपमेंट और सेक्टरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो कि कौन लेकर आया है, नीति आयोग, जिसे 1950 में जो प्लानिंग कमीशन बना था उसको 2015 में इसमें रिफॉर्म किया गया, चेंज किया गया, और अब इसको जो नेम से बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नीति आयोग। नीति आयोग के अंदर, नीति आयोग के अंदर जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, पर नीति आयोग का जो प्लानिंग होगी वो इस तरीके से होगी कि सेक्टरल एंड रीजनल प्लानिंग्स होंगी। अब इसके बाद में आता है कि इसने सेक्टरल और रीजनल प्लानिंग करी, तो रीजनल के अंदर कि एरिया वाइज प्लानिंग करी, तो कुछ एरिया जैसे हिली एरियाज थे वो बहुत बैकवर्ड थे, ड्रॉट प्रॉन एरियाज थे वो बहुत, तो उन्होंने ऐसे एरियाज को ढूंढा जहां पर डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, तो इन एरियाज को आइडेंटिफाई कर और इनके ऊपर प्रोग्राम्स चलाए और इनके ऊपर एम्फेसाइज किया उन प्रोग्राम के थ्रू कि डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरीके के कुछ प्रोग्राम हमारी बुक के अंदर दे रखे हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम है उस जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डैट इज़ हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में चला। कब चला? फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में। इसके अंदर
कुछ हिली एरियाज़ को यानी 15 डिस्ट्रिक्ट हिली एरियाज़ की चूज़ की गई 15 एरिया। तो हिली एरियाज़ में मोस्ट ऑफ हिली एरियाज़ कौन से लिए गए, तो मोस्ट ऑफ हिली एरियाज़ लिए गए दार्जिलिंग हिल, दार्जिलिंग मिकिर हिल्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिकिर हिल्स के थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग हिल्स के थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट चाचर हिल्स के थे जो आसाम में है, और साउथ के अंदर नीलगिरी हिल्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स को कि इनका क्राइटेरिया क्या रखा कि अगर किसी एरिया के अंदर एक छोटा सा हिल है तो क्या हम उसे हिली एरिया बोलेंगे, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा, तो इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए NCDBA नेशनल काउंसिल डेवलपमेंट बैकवर्ड एरिया, इसने क्राइटेरिया डिसाइड किया। दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने कहा कि ऐसा हर किसी के अंदर, मान लो अलवर है, अलवर के चारों तरफ हिली एरिया हिल हैं, अरावली हिल्स हैं, तो क्या हम इसे हिली एरिया चूज़ करेंगे, तो इसका क्राइटेरिया रखा कि द एरिया विच इज़ अबाउट टू 600 मीटर, यानी जो एरिया 600 अबाव मीटर है सी लेवल से, उनको किसके अंदर इंक्लूड किया गया, उनको इंक्लूड किया गया हिली एरियाज़ में। अब यहाँ पर देखा गया कि यहाँ रिसोर्सेज तो बहुत सारे थे, यानी यहाँ पर जो एम था वो क्या था, एम था रिसोर्सेज को यूज़ करना, हिली एरियाज़ के अंदर रिसोर्सेज बहुत सारे थे तो उनको यूज़ करते हुए डेवलपमेंट करना। तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने कौन कौन से, मतलब उसका उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए, तो उन्होंने स्टेप्स कौन से लिए जो डेवलपमेंट हिली एरियाज़ को डेवलपमेंट कर सके, तो उसके लिए हॉर्टिकल्चर को एम्फेसाइज किया गया, एनिमल हस्बेंड्री को किया गया, एनिमल हस्बेंड्री को किया गया, पॉटरी को, फॉरेस्ट्री को, प्लांटेशंस को, इनको बढ़ाकर वहाँ पर डेवलपमेंट किया गया, और देखा तो वहाँ पर डेवलपमेंट इंक्रीज भी हुआ और इसका पॉजिटिव रिजल्ट जो था वो वहाँ के लोगों के सामने आया। तो ये समझ में आ गया, आई होप कि हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5th 5-year प्लान में इम्प्लीमेंट हुआ था, 15 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया था जिसके अंदर दार्जिलिंग हिल्स की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थी, मिकिर हिल्स की, छाचर हिल्स की, नीलगिरी हिल्स की थी। अब इनका एरिया क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए क्या किया, NCDBA ने ये क्राइटेरिया डिसाइड किया कि विच डिस्ट्रिक्ट्स विच आर अबव द 600 मीटर फ्रॉम सी लेवल दे आर कॉल्ड हिली एरियाज डिस्ट्रिक्ट। तो इनका एम क्या था, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करना, और यहाँ के रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया, तो उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए गए, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर यानी वेजिटेशन फार्मिंग, वेजिटेशन एंड फ्रूट्स का कल्टीवेशन हुआ, फ्लावर्स का कल्टीवेशन हुआ, एनिमल हस्बेंड्री का, प्लांटेशंस का, और फॉरेस्ट्री डेवलप की गई यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हिली एरियाज प्रोग्राम को डेवलप इम्प्लीमेंट किया गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बेटा ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट, जिससे कि वर्ड से ही हमें पता चल जाए कि ये प्रोग्राम कहाँ चलेंगे, जहाँ पर अक्सर सूखा पड़ता है, यानी जहाँ पर अक्सर फेमाइन आता है या वाटर स्कैरेसिटी जहाँ पर अक्सर देखने को मिलती है, उन एरियाज़ को इस प्रोग्राम के इंक्लूड रखा गया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ड्रॉट प्रोन एरियाज के बारे में आप देखो बेटा, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 4th 5-year प्लान में, 4th
5-year plan. इसके अंदर प्लानिंग कमीशन ने, जो प्लानिंग कमीशन था उसने कितने एरियाज को चूज किया, तो इसके अंदर प्लानिंग कमीशन ने 64 एरियाज को मार्क 67 एरियाज को मार्क किया 67 एरियाज को मार्क किया जहाँ पर, अच्छा जहाँ पर अक्सर ड्रॉट पड़ता है. तो ड्रॉट की कैटेगराइज कैसे किया, तो ड्रॉट का कैटेगराइज इस तरीके से किया कि जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी फील्ड को लेस देन 60% मिले, यानी लेस देन 60% मिले, तो ऐसे एरियाज को, सॉरी 30% मिले, ऐसे एरियाज को हमने किसके अंदर रखा, ड्रॉट प्रॉन एरियाज में. जिन फील्ड को इरिगेशन की फैसिलिटी 30% से कम मिल रही है, जहाँ पर वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है और कोई अदर सरफेस सोर्स नहीं है वाटर का, ऐसे एरियाज को हमने ड्रॉट प्रॉन एरियाज में रखा. तो इनके अंदर जो मोस्ट ऑफ एरियाज थे वो कौन कौन से थे, ऐसे एरियाज जैसे राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान पूरा का पूरा इसी टाइप का है, वहाँ पर सरफेस वाटर है ना अंडरग्राउंड वाटर है, और वहाँ पर जो एग्रीकल्चर के लिए 30% से भी कम ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर हम कल्टीवेशन की, इरिगेशन की हेल्प से कल्टीवेशन. इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो इंटीरियर पार्ट है उसके अंदर सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो, तो ये वाला पार्ट ड्रॉट प्रॉन एरियाज के अंदर आता है. अब आता है कि इनके अंदर इसका एम क्या था. अब यहाँ पर एग्रीकल्चर तो है नहीं, तो यहाँ पर एम क्या रखा गया, अब एम रखा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का. एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में लेबर इंसेंटिव वर्क कराया गया, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ की गई. लेबर इंटेंसिव टेक्निक से यहाँ पर क्या किया गया, वर्क किया गया, जिससे कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो. बट उसके बाद में देखा गया कि लेबर इंटेंसिव से कुछ ही जॉब्स यू मतलब इंक्रीज होती हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस भी नहीं था यहाँ पर, तो यहाँ पर वाटरशेड प्रोग्राम डेवलपमेंट किया गया, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया, डेवलप किया. अब वाटरशेड डेवलप करने से वाटर रिचार्ज हुआ, तो एग्रीकल्चर एरिया भी बढ़ा, एग्रीकल्चर को भी एम्फेसाइज किया गया, एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ. एग्रीकल्चर के अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई. इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होने के बाद में यहाँ पर कुछ मार्केट्स डेवलप किए गए, इलेक्ट्रिसिटी दी गई यहाँ पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ यहाँ पर, और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिली, यानी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, मार्केट डेवलप हुए, तो इस तरीके से वहाँ पर जॉब क्या किया गया, जो एम्प्लॉयमेंट था वो इंक्रीज़ किया गया, ग्रासलैंड्स इंक्रीज़ किए गए, तो इस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट किया गया. अच्छा, अब इसका अचीवमेंट क्या मिला, इन सबको डेवलप करने से, इन सबको बढ़ावा देने से यहाँ पर डेवलपमेंट क्या, मतलब अचीवमेंट क्या मिला, तो यहाँ पर अचीवमेंट मिला कि यहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस हुआ. सबसे पहले तो ड्रॉट था, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस था, मतलब नेचर के अंदर बैलेंसिंग नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर प्लांटेशन कम थे. जब यहाँ पर प्लांटेशन ज़्यादा करा, तो इकोलॉजिकल बैलेंसिंग हुई. इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ साथ वाटरशेड प्रोग्राम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर वाटर का रिचार्ज और कंजर्वेशन किया गया, जिससे कि यहाँ के जो वाटर जो पहले जो डेप्थ में चला गया था, जो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, वो लोगों को मिल पा रही थी. तो ये इसके दो मेज़र अचीवमेंट मिले कि यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस हुआ और साथ में यहाँ पर वाटरशेड प्रोग्राम्स बढ़ा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर. तो ये कुछ प्रोग्राम्स था. तो ये ड्रॉट प्रॉन एरिया के बारे में था.
फोर्थ फाइव ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ। प्लानिंग कमीशन ने 67 एरियाज मार्क करे जहाँ पर इरिगेशन 30% से लेस होती है, जिसमें मोस्ट ऑफ जो एरिया थे वो राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स थे। अब यहाँ पर करना क्या था, तो यहाँ जो इनका मेन मोटो था वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। तो इनिशियल स्टेज पे तो उन्होंने लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करी, पर उसके बाद में उन्होंने वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्रासलैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से इरिगेशन फैसिलिटी, मार्केट और इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ पर डेवलपमेंट किया। और उन्हें अचीवमेंट क्या मिला, इकोलॉजिकल बैलेंस हुआ, जो इम्बैलेंस वहाँ सिचुएशन थी, वाटर शेड प्रोग्राम डेवलप हुए जिससे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ी, इवन अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हुआ और साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप हुआ। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपके यहाँ पर केस स्टडी दे रखी है, भारमूर ट्राइबल कम्युनिटी की, भारमूर के अंदर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब केस स्टडी कर पढ़ते हैं हम लोग, तो केस स्टडी है हमारी बेटा, ये भारमूर रीजन एक ट्राइबल, ये जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। इस वाली के अंदर ट्राइब्स रहते हैं, यानी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, और ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर गड़ीज रहते हैं जो कि ट्रांस ह्यूमन्स हैं। कैसे हैं ये ट्रांस ह्यूमन्स, यानी ये अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तो इनको ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है। इनकी जो डायलैक्ट है वो गडियाल्स है, जो ये लैंग्वेज बोलते हैं वो क्या है, गडियाल्स। अब यहाँ पर क्या था, इस एरिया के अंदर रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, जो रिसोर्सेज थे वो लो रिसोर्सेज थे, साथ में हार्श क्लाइमेट था। हार्श क्लाइमेट मतलब यहाँ का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम कोल्ड था, तो हार्श क्लाइमेट था। हार्श क्लाइमेट के साथ साथ यहाँ पर इकोलॉजिकल एंड सोशल भी बैकवर्ड थे, इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड थे। अब देखो बेटा, गडीज, सबसे पहले गडीज के बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि जो गडीज थे वो समर्स में तो अपर हिल्स ऑफ हिमालय चले जाते हैं और वहाँ पर ग्रासलैंड्स उनके शीप और गॉड्स को मिलते हैं, मतलब ये मोस्ट ऑफ एनिमल रेयरिंग करते हैं, और एनिमल रेयरिंग में भी शीप और गॉड करते हैं। उनको चारा गर्मियों में तो वहाँ ऊपर हाई हिल्स पर, माउंटेन्स पर चल जाते हैं, पर विंटर्स में क्या होता है, वहाँ पर पूरा आइस कैप हो जाता है वो, तो इसलिए वो उनके एनिमल्स को चारा नहीं मिल पाता वहाँ पर, तो ये लोग वापस हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं विंटर्स में और वहीं पर स्टे करते हैं। तो ये इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का ये वाला एरिया था, यहाँ रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, हार्श क्लाइमेट था, इकोनॉमिकल एंड सोशल बैकवर्ड थे। अब इस एरिया को डेवलप करने के लिए क्या किया गया, तो 1970s में सबसे पहले इस ट्राइबल कम्युनिटी को ST यानी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया गया। शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने के बाद में अब इसको डेवलप करने के लिए स्टेप्स क्या लिए गए, तो इनको डेवलप करने के लिए स्टेप्स लिए गए, स्कूल बनाए गए यहाँ पर, स्कूल बनाने के साथ साथ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी
डेवलप की गई, जिससे कि क्या एम अचीव हुआ, एम अचीव हुआ कि रिड्यूस द गैप बिटवीन ट्राइब्स, जो ट्राइब और कॉमन पीपल में गैप था, जो ट्राइबल कम्युनिटी जो हम आज भी सोचते हैं कि बहुत पीछे रहती हैं, बहुत एडवांस नहीं होती, उनको करंट टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो इस टाइप के जो लोग थे जो बैकवर्ड थे, यानी ट्राइब्स कम्युनिटी और नॉर्मल पीपल्स का गैप था, वो रिड्यूस हुआ। तो रिड्यूसिंग गैप बिटवीन ट्राइब्स एंड नॉर्मल पीपल, और साथ में स्कूल खुलने से जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, स्पेशल फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ गई यहाँ पर, जो फीमेल लिटरेसी रेट 1% के करीब थी वो 44% के करीब हो गई, फीमेल लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुई, और यहाँ की कॉमन लिटरेसी, जो कॉमन पीपल्स में भी जो लिटरेसी रेट थी वो बढ़ गई। यहाँ के जो लोग थे जो पहले ट्रांस ह्यूमन्स से एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उन्होंने स्टेबल कर लिए, वो अपने घर परमानेंट, उनमें से कुछ ही हैं जो आज जो घूमते हैं, बाकी सब स्टे करके अपना घर बना लिया और दूसरे अदर ऑक्यूपेशन में एंगेज हो गए, यानी उनका इकोनॉमिकली और सोशल जो इम्प्रूवमेंट भी हुआ। साथ में वो जो ट्रांस ह्यूमन्स थे उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ का जो एरिया है वो डेवलप हो गया। और दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग, ये तो सिर्फ प्लानिंग के बारे में था। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि जो भारमूर रीजन है उसको कैसे डेवलप किया गया, वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी रहती थी, वहाँ पर गड़ीज रहते थे।